हेलो फ्रेंड, मैं अभिजीत साधक आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ हमारे गांव की एक सिंपल शादी जो कि हमारे पड़ोस में ही हो रहा है। तो उसके बारे में आप लोगों को कैसी क्या तैयारी होती है दिखाऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को थोड़ा फास्ट मोशन में किया गया है क्योंकि वीडियो नहीं तो पूरा मूवी बन जाता जो कि अपलोड होने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो देखिए फ्रेंड, ये पहले कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा मतलब कोई पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ के लिए कलश यात्रा नहीं, बल्कि इस कलश में पानी भरा जाता है जो कि चल बहते हुए नदियों से लिया जाता है। और उसके लिए भी बहुत ही अलग अलग तरीके की रस्म रिवाजों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाता है। इसके लिए पहले तो लड़के की मामी जो होगी तो उनको ये पूजा संबंधित सामान सिर के ऊपर रखकर उसको नदी तक ले जाना है। फिर वहाँ से पानी को इकट्ठा करना होता है कलश में। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। पहले के ज़माने में पोखरों से पानी इकट्ठा किया जाता था तो इस कारण से घर का एक सदस्य जो मुखिया के तौर पर नदी में एक दराती से पोखर बनाएगा और उसमें से फिर घर की औरतें पानी इकट्ठा करती है तो देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और इसके आवाज़ बहुत ही ख़तरनाक थे इसलिए मैंने इसके आवाज़ को बंद कर दिया है, नहीं तो कान में दर्द हो जाते हैं। तो देखिए सभी प्रस्थान हो रहे हैं नदी की ओर और वो भी नाचते हुए। ये देखिए फ्रेंड, आ गए हैं हम लोग नदी के किनारे और नदी भी देखिए बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरा नदी है। ये गांव की नहर है इसलिए इसमें कचरा वगैरह कम होता है। शहरों के नदियों में तो अक्सर देखा जाता है पॉलीथीन, कचरा, गटर के मलबे यही दिखाई देते हैं, लेकिन गांव की जो नदियां है वो साफ सुथरी है लगभग। ये देखिए फ्रेंड, घर का मुखिया पानी में उतर गया पोखर काटने को। पोखर का मतलब गड्ढा। और देखिए गड्ढा काट के उसके अंदर से पानी इकट्ठा किया जाएगा। ये दराती से बस रस्मों को निभाया जाता है, ऐसे पोखर नहीं बनाया जाता है। वैसे पानी में निशान, पोखर जैसा निशान बना देते हैं, बस उसकी फिर आरती करके फिर वहाँ से पानी इकट्ठा कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए चल रहा है रिवाज। और ये पूरी तरीके से बंगाली शादी के रस्में हैं और इसको शादी में अक्सर वीडियो में कहीं भी आपको दिखने को नहीं मिला होगा। और जिन भाई लोगों ने शादी किया है, दूल्हा बना हुआ है, तो उनको पता है, उनके आस पड़ोस में बुज़ुर्ग औरतों को पता है। लेकिन जिन्होंने शादी नहीं किया उनको अक्सर पता नहीं होता है। तो ये देखिए कलश भर चुका है, अब इसको लेके केले के पेड़ के नीचे पूरब साइड की ओर मुंह करके रखा जाएगा। और इस पानी को गंगा की शुद्धता के परिचय के रूप में रखा जाता है। और फिर बाद में जब शादी ब्याह हो जाता है तो इस पानी से ही दूल्हा दुल्हन को नहलाया जाता है।
तो फ्रेंड देखिए हो गया पानी भरना, अब जा रहे हैं घर को। ये देखिए आ गए हैं हम लोग घर की तरफ। ये देखिए पंडित जी एक तरह के रस्मों को पूरा कर रहे थे, सकते हैं। ये देखिए एक चक्कर घूम के और इसके लिए आस पड़ोस की महिलाएं आती है, उनके घर से न्योता जाता है उनको, तो आस पड़ोस से बहुत सारी महिलाएं आती है आके, फिर हंसी टिटोली और नाच गाना ये सब करती है। ये देखिए फ्रेंड यही है दूल्हा जो नाच रहा है। तो फ्रेंड गांव की शादी में फुल एंजॉय होता है एकदम। ये देखिए फ्रेंड ये रहा दूल्हा हाथ हिलाते हुए, और ये देखिए हम लोग जाने वाले हैं बराती, और तैयार हो रहा है दूल्हा, और दूल्हा माँ की आशीर्वाद के साथ प्रस्थान होने वाला है। उसके लिए भी रस्म है, पहले उनको आशीर्वाद दिया जाता है, फिर दूल्हे की माता जी बैठ जाते हैं टांग फैला के, जैसे बच्चे को गोदी में लिया जाता है तो ऐसे फैला के बैठती है, और माता की गोद में दूल्हे को बैठाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या करने जा रहे हो, तो वो माता को उत्तर देती है कि आपके लिए दासी लाने जा रहा हूँ जो आपकी सेवा करेगी। तो ये भी मेरे को पहली बार पता चला है, जो कि मैं पहले ही आ चुका था बारात के लिए। ये देखिए फ्रेंड लड़के के मामा जी वहीं से उठा के फिर मंडप तक ले जाएंगे, और शादी में गोदी चढ़ना बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि लड़के को गोदी में उठा के मामा जी ले जाते हैं, फिर जाके लड़की के घर में भी जाके रस्म रिवाज के तौर पर लड़के को रास्ते से मंडप तक गोदी में उठा के ले जाना होता है। ये देखिए उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है, और इसे बंगला में बरौन करना भी बोलते हैं, जो कि चावल को छानने वाली एक तरह की बाँस से बनी चीज़ है, जिसके ऊपर सारी चीज़ों को रखा जाता है, और इसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए फ्रेंड आ गए हैं बराती बाजे ढोल बाजा लेकर। दोस्तों मेरे को वैसे तेज ध्वनि ज़्यादा पसंद नहीं है, पटाखे की हो या फिर डीजे की हो, इसलिए मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरे कान में दर्द होने लगता है या फिर सिर में दर्द होने लगता है। ये देखिए फ्रेंड पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इसकी पटाखे की आग बुझ गई थी, फिर जाके दोबारा आग लगा है। दोस्तों काफ़ी सारी फुल इंजॉयमेंट होती है, अब देखिएगा आप लोग कैसे लड़की के तरफ से लड़के की तरफ से
बायना जिसको बोलते हैं पैर धुलाने का नेक हिंदी में, तो वो रस्में किया जा रहा है और इनसे लेन देन किया जा रहा है कि आप इतने रुपए में मान जाओ और दूसरे पार्टी से बोलते हैं कि नहीं होएगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ये देखिए चल रहा है दूल्हे की बहन और दूल्हे की साली में, या फिर पड़ोसी से आए हुए भाभी अभी ये सब रस्में करती है। ये देखिए चारों तरफ बैठा हुआ लोग और खातिरदारी किया जा रहा है और ये मंडप सजा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड दूल्हा और दुल्हन को हाथ से बांधकर दुल्हन की तरफ से दुल्हन के पिताजी कन्या को दान कर रहे हैं, दान करने की रस्मों को कर रहे हैं। इस तरीके से मैं तो पूरा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन छोटे छोटे जब मैं उपस्थित था तो शॉर्ट में तैयार किया है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने देखा है कि किसी भी कल्चर की शादी हो में साथ फेरे ज़रूर लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है वीडियो आपको पूरा एंजॉयमेंट लगा होगा। लेते हैं विदाई, टाटा बाय बाय।